हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के माने जाने एक्टर बॉबी देओल की सारी हिट और फ्लॉप फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों इस वीडियो के चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बॉबी देओल की पहली फिल्म आती है बरसात। सन 1995 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है गुप्त। सन 1997 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों हिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है और प्यार हो गया। सन 1997 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म एवरेज रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है करीब। सन 1998 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है सोल्जर। सन 1998 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है दिल लगी। सन 1999 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है बादल। सन 2000 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म दोस्तों हिट रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है हम तो मोहब्बत करेंगे। सन 2000 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है बिच्छू। सन 2000 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों सेमी हिट रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है आशिक। सन 2001 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है अजनबी। सन 2001 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है क्रांति। सन 2002 में फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है शहीद। और सन 2002 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है हमराज। सन 2002 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म एवरेज रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है चोर मचाए शोर। सन 2002 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है किस्मत। सन 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म दोस्तों हिट रही। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आती है बर्दाश्त। सन 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सन 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है जुर्म। सन 2005 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आती है टैंगो चार्ली। सन 2005 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है बरसात। सन 2005 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है दोस्ती। सन 2005 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है हमको तुमसे प्यार है। सन 2006 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है साकालाका बूम बूम। सन 2007 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है झूम बराबर झूम। सन 2007 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है अपने। सन 2007 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है नकाब। सन 2007 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है नन्हे जैसलमेर। सन 2007 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है चमकू। सन 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है हीरो। सन 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म दोस्तों फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है दोस्ताना। सन 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है एक द पावर ऑफ वन। सन 2009 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है वादा राव परमाई। सन 2009 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म एवरेज रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है हेल्प। सन 2010 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है यमला पगला दीवाना। 2011 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है थैंक यू। सन 2011 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म आती है प्लेयर्स। 2012 में फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही।
इसके बाद बाबी देओल की अगली फिल्म आती है यमला पगला दीवाना 2, सन 2013 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म एवरेज रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है पोस्टर बॉय, सन 2017 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है यमला पगला दीवाना फिर से, सन 2018 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद बाबी देओल की अगली फिल्म आती है रेस 3, सन 2018 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है हाउसफुल 4, सन 2019 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है क्लास ऑफ 83, 2020 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म OTT रिलीज़ हुई थी। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आती है लव हॉस्टल, ये फिल्म दोस्तों OTT रिलीज़ हुई थी। इसके बाद इनकी आखिरी फिल्म आती है एनिमल्स, 2023 में फिल्म रिलीज़ हुई, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही।